वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात कर रहे हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की, जिन्होंने अपने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं करवाए हैं। तो ये एक जो लिस्ट है जो कि जुलाई 2022 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया और जिन्होंने 15 मई 2023 तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं, तो वो अपने असाइनमेंट जितना जल्दी हो सके 15 दिसंबर तक अपने असाइनमेंट जमा करवा दें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अधूरा रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अपने लगभग 40 पेज की जो PDF है वो यहाँ पर जारी की है, जिसमें एडमिशन सेशन जो है जुलाई 2022, तो यहाँ पर ये पूरी एक जो PDF फाइल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 995 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं, जिनके स्कॉलर नंबर, स्टूडेंट का नाम, उनका जो प्रोग्राम है और जो भी उन्होंने जो कोर्स किया है उनके जो कोड है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने असाइनमेंट 15 मई 2023 तक जमा नहीं करवाए हैं, उनको अपने असाइनमेंट 15 दिसंबर से पहले, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे सभी रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं, तो अगर आपने भी अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। और इस PDF में आप अपना स्कॉलर नंबर और नाम के जरिए देख सकते हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया है, और अगर इन सभी सब्जेक्ट के अगर असाइनमेंट बनवाने में या बनाने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की अगर हेल्प की आवश्यकता हो तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको असाइनमेंट बनाने संबंधी सभी प्रकार की हेल्प की जाएगी। और इसके लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन के लिए आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो अपनी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और PDF आप देख सकते हैं।